Hello students, how are you all? I hope you all are very good at home. We are going to start the new video of science, video number 5. In the previous video, we have discussed about the water, and today we are going to discuss about the obesity. Obesity means, आप सभी को पता होगा obesity का मतलब. Obesity means हिंदी में मोटापा. ओबेसिटी वो कंडीशन होती है जिसमें कि बॉडी के अंदर एक्सेस फैट डिपॉजिट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है. एक्यूमुलेशन मींस डिपॉजिशन. तो वो स्टेट क्या कहलाती है? ओबेसिटी. अ कंडीशन इन विच टू मच फैट इज़ एक्यूमुलेट इन द बॉडी इज कॉल्ड ओबेसिटी. ओके, अब व्हाट आर द रीजंस ऑफ ओबेसिटी? तो रीजंस ऑफ ओबेसिटीज आर, फर्स्ट, कंज्यूमिंग फैट रिच जंक फूड. फैट रिच फूड कंज्यूम करना और जंक फूड कंज्यूम करना, करने से ओबेसिटी हो जाती है. नेक्स्ट, एक्सरसाइज कम करने से, मींस लैक ऑफ एक्सरसाइज. थर्ड, अगर लाइफ स्टाइल सिडेंट्री लाइफ स्टाइल है, मींस एक जगह बैठे हुए काम कर रहे हैं अपन सारा, तो सिडेंट्री लाइफ स्टाइल से भी ओबेसिटी हो जाती है. नेक्स्ट, इम्बैलेंस बिटवीन अ यूज़ ऑफ एनर्जी एंड कंजप्शन ऑफ एनर्जी. मीन्स हम एनर्जी का यूज़ तो ज़्यादा कर रहे हैं पर कंजप्शन कम कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में फूड जो इन अ फॉर्म ऑफ फैट डिपॉजिट हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है इसके बीच में, इन यूज़ और कंजप्शन ऑफ एनर्जी के बीच में, जिसके कारण भी ओबेसिटी हो जाती है. और नेक्स्ट एंड द लास्ट रीज़न इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म. व्हाट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म? हाइपोथायरॉयडिज्म मींस थायरॉयड ग्लैंड से थायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन, जब हाइपो सिक्रीशन होता है तो उसके कारण भी, कम सिक्रीशन होने के कारण भी मोटापा जो है वो बढ़ जाता है. ठीक है, तो दीज ऑल आर द रीजंस ऑफ ओबेसिटी. इन सब रीजंस की वजह से ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा बढ़ जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द बॉडी मास इंडेक्स, BMI इन शॉर्ट. व्हाट इज़ BMI? बॉडी मास इंडेक्स मींस, बॉडी मास इंडेक्स मींस BMI जो है वो एक रेशो होता है किसका? हाइट टू वेट. हाइट और वेट का ऑफ अ पर्सन की हाइट और वेट का एक रेशो होता है, जिसको अपन क्या कह देते हैं? बॉडी मास इंडेक्स. अगर ये रेशो जो है वो 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, व्हेन द BMI इज़ मोर देन 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, अगर 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है ये, देन इट इज़ अ स्टेज ऑफ ओबेसिटी. तब ये ओबेसिटी की स्टेज कहलाती है. ठीक, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. नाउ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ओबेसिटी. ओबेसिटी के क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं? तो ओबेसिटी जो है वो अपने आप में एक डिजीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ कॉज कर सकती है ये. कौन कौन सी? हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ एंड आर्थराइटिस. कौन कौन सी डिजीज़ कॉज हो सकती है? हार्ट से रिलेटेड डिजीज़, डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन हो जाता है और आर्थराइटिस हो जाता है. आर्थराइटिस रिलेटेड टू द बोन डिजीज़. ठीक है, जॉइंट्स पेन होते हैं, आर्थराइटिस डिजीज़ जाती है. तो फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ ओबेसिटी, जो कि ओबेसिटी था. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्लड प्रेशर. What is the blood pressure? The pressure exerted by the arteries to the blood flow is called the blood pressure. Arteries के द्वारा जो pressure exert किया जाता है, जो blood flow होता है उस पर, वो pressure क्या कहलाता है? Blood pressure. और एक healthy person का blood pressure कितना होना चाहिए? तो 80/120 mmHg. 120 is the systolic pressure और 80 is the diastolic pressure. Now the question is, what is systolic and diastolic pressure? तो systolic pressure कौन सा होता है? जो अपनी arteries जो होती हैं उनके अंदर, जब heart के अंदर जो heart muscles होती हैं वो contraction की form में होती हैं. जब heart muscle contract होती हैं तो उस during जो pressure होता arteries में apply होता है, that is called systolic pressure, जो हमेशा ज़्यादा होता है, 120. ठीक है,
डायस्टोलिक प्रेशर मींस जो हर्ट मसल्स जब रिलैक्सेशन की स्टेज में होती हैं तब जो आर्टरीज में प्रेशर होता है दैट इज़ कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। तो रिलैक्सेशन के टाइम है तो ऑब्वियसली कम होगा 80 और 120। तो इट्स एक हेल्दी पर्सन के अंदर कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए 80/120। 80 इज़ द डायस्टोलिक प्रेशर एंड 120 इज़ द सिस्टोलिक प्रेशर। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट किसके थ्रू किया जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट विच नेम इज़ स्फेग्नोमैनोमीटर, जिसके द्वारा अपन मेज़रमेंट कर सकते हैं ब्लड प्रेशर का। तो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट स्फेग्नोमैनोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीफन हॉल्स थे इन 1733 जिन्होंने ब्लड प्रेशर को मेज़र किया था इन हॉर्सेस के अंदर इन्होंने ब्लड प्रेशर मेज़र किया था। नेक्स्ट कॉपलैंड थे जिन्होंने सबसे पहले 1983 में ब्लड प्रेशर को डिफाइन किया था। तो मेज़रमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, इट्स ए मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं और नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ स्फिग्नोमैनोमीटर। नाउ हाइपरटेंशन मींस जब ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली एक पर्सन का 80/120 से हायर होता है, जो कि एक नॉर्मल रेंज है, उस नॉर्मल रेंज से कॉन्स्टेंटली हायर रहता है तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के कारण क्या होते हैं, कॉजेस क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओबेसिटी कॉज होता है इसका। डायबिटीज़ के कारण भी ब्लड प्रेशर हायर रहता है और ओल्डर एज के कारण भी, ओल्डर एज के ड्यूरिंग भी ब्लड प्रेशर हायर हो जाता है। या फिर एंगर हेट के कारण भी ब्लड प्रेशर हायर हो जाता है, और एक्सरसाइज कम करने पर, लैक ऑफ एक्सरसाइज होने पर भी हाइपरटेंशन जो है वो हो जाता है। अब प्रिवेंशन क्या है हाइपरटेंशन के, क्योंकि ओबेसिटी के वजह से हाइपरटेंशन होता है, सो हमें फैट जो होता है वो अपनी डाइट्री के अंदर कम लेना चाहिए। ठीक है, हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, जो फाइबरस डाइट होती है वो हायर हो, उस फूड को हमें इनटेक करना चाहिए जिसके कारण ब्लड प्रेशर नहीं हो। इसके अलावा जो है पोटेशियम रिच जो डाइट है उसको भी इनटेक करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेगुलर योगा मेडिटेशन प्राणायाम जैसे एक्सरसाइज जो है वो रेगुलर करनी चाहिए, और स्मोकिंग और अल्कोहल से हमेशा दूर रहना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम द स्मोकिंग एंड अल्कोहल, तो स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। दीज ऑल आर द प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन, ये सभी प्रिवेंशन है हाइपरटेंशन के, जिनके कारण हाइपरटेंशन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक और द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज़ हाइपोटेंशन। अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली नॉर्मल रेंज से कम रहता है, 80/120 से कम रहता है, तो वो जो कंडीशन होती है वो कहलाती है हाइपोटेंशन। कम रहता है तो हाइपोटेंशन, और ज़्यादा रहता है कॉन्स्टेंटली तो हाइपरटेंशन। क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हाइपोटेंशन का? हाइपोटेंशन की वजह से आर्टरीज़ के अंदर प्रेशर जो होता है वो बहुत रिड्यूस्ड हो जाता है। जब प्रेशर बहुत कम होता है तो ब्लड सप्लाई जो होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, और जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है लाइक हर्ट ब्रेन और किडनीज, उनको ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता है, उनको एनर्जी नहीं मिल पाती है, और एनर्जी या न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण या कम मिलने के कारण वो कई बार परमानेंटली डैमेज भी हो सकते हैं और मे कॉज द डेथ, और इसके कारण पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो दीज ऑल आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ हाइपोटेंशन, कि हाइपोटेंशन की वजह से क्या क्या हो सकता है। ब्लड सप्लाई होने के कारण इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हैं हार्ट ब्रेन और किडनीज वो डैमेज हो सकते हैं, और कई बार ज़्यादा डैमेज होने पर पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो ये दो टॉपिक है आज के लिए, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।